अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इनके बीच जब भी जाते हैं तो उनका लास्ट सेंटेंस ये होता है कि सब कुछ उधर छोड़ के काम ना करने लग जाना, सो जाओ अब। और ऐसे ही हुआ, मैंने उधर ही सब कुछ छोड़ दिया, थोड़ा सा दरवाज़ा बंद किया, रोशनी कम हो, आवाज़ें कम आए और मैं सो जाऊँ। लेकिन जब मैं सोने लगी, सो गई, लेट गई, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि सारी खूंटियाँ तो उदास पड़ी हैं। देखें हर चीज़ का से, बच्चे, नेट्स, फ्रेंड्स, रूटीन से हटकर काम होना तो ऐसे ही खूंटियाँ उदास हो जाती हैं। फ्राइडे बिज़ी गुज़रा और फिर अल्लाह ताला ने क्या अपना दिखाया, हवा के ज़रिए जोश दिखाया, ज़ोर दिखाया। फिर सैटरडे को आंधी तूफान साफ करते में टाइम गुजर गया। संडे फिर थोड़ा सा रूटीन से हटके हुआ, और वैसे भी मैंने थोड़ा संडे को रिलैक्स ही करना था, रिलैक्स ही किया। और अब सुबह के टाइम उठ के शर्ट प्रेस करनी पड़ी है। सुबह के टाइम शर्ट प्रेस करना बहुत मुश्किल लगा। वैसे तो आप सब कह रहे थे लो मैं प्रेस कर दूँ, लेकिन अब उनको आदत नहीं है। वैसे भी मुझे ऐसे लगता है मैं जल्दी कर लूँगी, वो बिजली ज़्यादा खर्च करेंगे। पता है ना फ्रेंड्स, बिजली का भी बहुत बड़ा रोना है। फाइनली फ्रेंड्स, मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं और आसन की बारी पे थोड़ा सा मुझे डर था, है भी, यकीनन होगा सुबह, क्योंकि ये जब ये पहनेगा उसने कहना मामा ये क्यों प्रेस किया है, पुराना यूनिफॉर्म छोटा हो गया मुझे, मैंने नहीं पहनना। लेकिन एक यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ है, एक धोने वाला है, तो गुजारा करना पड़ेगा। और सबसे इजी और मज़े के कपड़े प्रेस करना लगते हैं बीड़ा के। चलें फ्रेंड्स, अब इनको उनकी जगह पर रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। चलें जी, मोहम्मद हसन फाइक की हुक तो खुश हो गई है। अल्लाह ताला पहनने वालों को सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और मैं इसी तरह कपड़े प्रेस करके देती रहूँ इनको। मेरी खूंटियाँ भी खुश हो गई, मैं भी खुश हो गई, और अब मैं रेस्ट करूँगी। और हक भी बनता है भाई, अब मुझे चैन की नींद आएगी।